वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में भारत का शानदार आगाज, पहले दिन 4 विकेट पर बनाए 302 रन। पहले टेस्ट के पहले ही दिन कप्तान विराट कोहली ने जड़ा शतक, 143 रन पर नाबाद है कोहली। वेस्टइंडीज में बतौर कप्तान पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने विराट, टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन भी पूरे किए। तीसरे विकेट के लिए शिखर धवन के साथ कोहली ने की 105 रनों की भागीदारी, 84 रन पर पवेलियन लौटे धवन। मुरली विजय 7, पुजारा 16 और रहाणे 22 रन पर आउट, 22 रनों पर ही नाबाद है नाइट वॉचमैन अश्विन। आज बड़े पर्दे पर आ गई सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली, चाहने वालों के लिए त्योहार जैसा दिन। रजनीकांत के दीवाने कई दिनों से कर रहे थे रिलीज की तैयारी, चेन्नई में लोगों ने एक कार को पोस्टर्स से सजाया। चेन्नई में पहले दिन पहला शो देखने आए रजनीकांत के कई चाहने वाले मायूस, टिकट नहीं मिलने पर पोस्टर लेकर लौटे घर। बैंगलोर में पहले शो को लेकर थिएटर के अंदर और बाहर जबरदस्त उत्साह, सुबह 3:30 बजे था स्पेशल शो। मुंबई में भी दिखा रजनीकांत के चाहने वालों का जुनून, ढोल बाजे के साथ पहुंचे थिएटर। लोगों तक संसद की प्रक्रिया ले जाना गलत है तो मैं गुनहगार, आज भी वीडियो बनाने का ऐलान। मायावती के खिलाफ अपशब्द वाले बयान को लेकर सियासी बवाल जारी, बीएसपी की तरफ से दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दी गई है डेडलाइन। लखनऊ में दयाशंकर सिंह की पत्नी ने गिरफ्तारी की मांग पर उठाया सवाल, पार्टी से निकालने की मिल चुकी है सजा। यूपी में सियासी बवाल के बीच आज गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी, एम्स का करेंगे शिलान्यास। ऊना दलित पिटाई मामले पर नेताओं के सियासी दौरे में आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल का नंबर, 15 दिनों में दूसरी गुजरात यात्रा। दिल्ली के संसदीय सचिवों के मामले में चुनाव आयोग ने की सुनवाई, बीजेपी और कांग्रेस को पार्टी बनाए जाने को लेकर सुरक्षित रखा फैसला। आप कार्यकर्ता की खुदकुशी के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी तेज करेगी विरोध प्रदर्शन, सभी 4 जिलों में घेरने की तैयारी। आज हरियाणा में खट्टर सरकार करेगी मंत्रिमंडल में फेरबदल, सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद और रोहतक के विधायक बन सकते हैं मंत्री। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नायक पर आज मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट, ढाका के आतंकियों ने नायक से प्रभावित होने की कही थी बात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह की ईडी सिख के सामने पेशी। रायपुर में सीएम रमन सिंह के सामने एक नौजवान की खुदकुशी कोशिश, बेरोजगार होने से था परेशान। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों में मौसम की भारी बारिश का अनुमान। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्टेट हाईवे को किया गया बंद, भारी बारिश से डूब गया रोड। असम में बाढ़ के हालात अब भी जस के तस, चिरांग में बारिश और उफनती नदियों से मुश्किल हालात। दिल्ली में एक लड़की के चेहरे पर फेंका गया तेजाब, लड़की ने शादी से किया था इनकार। जल बोर्ड की लापरवाही ने ली मासूम की जान, पतंग के पीछे दौड़ता हुआ 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरा बच्चा। दिल्ली के तिलक नगर में साइड नहीं देने पर भड़का स्कूटी सवार का गुस्सा, पुलिस वाले को मारी गोली। इनकम टैक्स के छापे में सामने आ गया देह व्यापार का धंधा, पीएन सानियाल नाम का शख्स गिरफ्तार, वीआईपी लोगों के मिले नंबर। दिल्ली में लगातार बिजली कटौती से बेहाल लोगों ने बीएसईएस दफ्तर पर किया प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। गुड़गांव में ज्वेलरी की दुकान से 6 लाख की चेन छीनकर भागा एक शख्स, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। राजस्थान के जोधपुर में होटल में प्रेमी ने प्रेमिका का किया कत्ल, बाद में खुद भी लगा ली फांसी। मुंबई में सास बहू की जानलेवा लड़ाई, बहू ने सास की हत्या के बाद की खुदकुशी। नवी मुंबई में हॉरर किलिंग का शिकार हुआ 15 साल का दलित छात्र, लड़की वालों ने पीट पीट कर की हत्या। प्रतीक्षा बैनर्जी की मौत के मामले में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, राहुल राज पर प्रतीक्षा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर भी दबंगों का खौफ, जेडीयू उपाध्यक्ष की पत्नी से मांगी 5 लाख की रंगदारी। हाजीपुर में पुलिसकर्मी के खिलाफ रेप का केस, शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, आरोपी फरार। यूपी बिहार के बाद झारखंड में स्कूलों का रियलिटी टेस्ट, शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने ली बच्चों की क्लास। स्पेनिश डिब्बों से बनी टाल्गो ट्रेन को रेत की बोरियों के साथ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, मथुरा और पलवल के बीच सफल परीक्षण। पुराने दिल्ली में मेट्रो रचने जा रही है कामयाबी का नया मुकाम, आईटीओ से कश्मीरी गेट तक ऐतिहासिक इमारतों के नीचे बन रही है हेरिटेज लाइन। स्वच्छता अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर की अनोखी पहल, स्कूलों और छात्रावासों में आदमकद शीशे लगाने की व्यवस्था।
आगरा के ताजमहल को लेकर एक बार फिर बड़ी पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता, नजर आए काले धब्बे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम, ड्रोन कैमरे से निगरानी। पूरे रास्ते पर लगाए गए हैं 84 सीसीटीवी कैमरे, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते भी रहेंगे तैनात। दिल्ली सरकार ने देसी शराब को किया महंगा, पूरी बोतल 10 रुपए, आधी बोतल 5 रुपए महंगी, क्वार्टर की कीमत पहले जितनी। अमेरिका के मैरीलैंड में पोकेमॉन गो खेलते हुए हादसा, पुलिस की कार से जा रहा एक शख्स। तेज आंधी से व्हाइट हाउस के ग्राउंड को भारी नुकसान, टूटी टहनियां और पत्तों से भरा मैदान। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड के पास पहाड़ियों पर आग। अमेरिका के कोलोराडो में बीयर ले जा रहा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरी केन ट्रक पलटा। नासा ने रिलीज की सूरज की रोशनी से चमकते हिस्से वाली पृथ्वी की तस्वीर।